हेलो गाइस, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं गिटार विजार्ड। पिछले वीडियो में हमने बात की गिटार के या म्यूजिक के मोड्स के बारे में। मैंने आपको बजा के दिखाए म्यूजिक के जो सारे मोड्स हैं, 7 मोड्स हम यहाँ पे बजा रहे हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो 7 मोड्स जो है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के किन रागों से या किन थाट से को रिलेट करते हैं। तो सबसे पहला मोड था हमारा आइमियन मोड, यानी कि जो मेन मेजर स्केल हम प्ले करते हैं। तो इस मेजर स्केल को जब हम प्ले करते हैं तो ये करस्पॉन्ड करता है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में बिलावल थाट को, क्योंकि उसमें सारे नेचुरल स्केल को यूज करते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज बता देना चाहता हूँ कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक भी अपने आप में बहुत वास्ट है। उसके अंदर भी बहुत सारे असेंडिंग में कोई नोट यूज करते हैं, डिसेंडिंग में उसका फ्लैट नोट यूज कर लेते हैं, उसकी एक किंग एंड क्वीन नोट्स होते हैं वो अलग होते हैं। और तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा आपसे कि जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ आपको वो बिल्कुल रिजिड है, लेकिन वो सिर्फ करस्पॉन्ड करते हैं, वो बिल्कुल उसके जैसे होते हैं, इसीलिए वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। आप ये ना सोचे कि बिलावल थाट बस इन्हीं सात सुरों के अंदर सिमट के रह जाएगा और इसकी कोई और पॉसिबिलिटी नहीं होंगी। नहीं, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसर्च का टॉपिक है। तो वहां पर भी जो नोट्स को यूज किया गया है असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो रागों में सबसे जो विविधता है वो इसी वजह से आई हुई है, क्योंकि उसमें जो नोट्स यूज करते हैं उनको बहुत स्पेशल तरीके से चूज किया गया है। तो यहां पर मैं सिर्फ आपको एक उसके जो रिलेशन है वो बता रहा हूँ। नेक्स्ट है डोरियन। डोरियन मोड मैंने आपको बताया था कि जब हम यहां से प्ले करते हैं और विदाउट डिस्टर्बिंग द डिफरेंस बिटवीन द पैटर्न में कोई भी डिफरेंस हम नहीं रखते हैं, पैटर्न वही रहता है, फुल फुल हाफ फुल 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 हाफ, उसके बाद अगेन फुल फुल हाफ। तो पैटर्न हमेशा यही रहता है, टोन टोन सेमी टोन, टोन 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 सेमी टोन, इसी पैटर्न को यूज करते हैं। और डोरियन मोड में जब हम प्ले करते हैं तो ये हो गया, डोरियन मोड। तो इसमें जो होता है वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के काफी थाट जो है काफी थाट पे करस्पॉन्ड करते हैं डोरियन मोड। और तीसरा है फ्रीजन मोड। तो फ्रीजन मोड जो है वो भैरवी थाट पे करस्पॉन्ड करते हैं उसके सारे नोट्स, जब हम उसको यहां से प्ले करते हैं। नेक्स्ट है लिडियन मोड। लिडियन मोड को जब हम प्ले करते हैं तो ये कल्याण थाट से करस्पॉन्ड करता है जो नोट्स हैं। तो लिडियन मोड जब हम प्ले करेंगे तो यहां से होगा, कल्याण थाट। उसके बाद मिक्सोलिडियन मोड जो है वो खमाज थाट पे बेस्ड है। तो मिक्सोलिडियन के बाद एयोलियन मोड आता है जो कि आशावादी थाट पे बेस्ड है। और उसके बाद जो लोक्रियन मोड आता है, लोक्रियन मोड के हिसाब से फिलहाल इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में कोई थाट डिसाइडेड नहीं है। जो एंशियंट इंडियन क्लासिकल म्यूजिक था उसमें उसका कोई करस्पॉन्डेंट होता था, लेकिन फिलहाल जो मॉडर्न इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है उसमें लोक्रियन मोड को कहीं पे भी यूज नहीं किया जाता है प्योर फॉर्म में। हो सकता है कि लोक्रियन मोड को यूज करके कुछ स्पेशल फील प्रोड्यूस की जाती हो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो अगर आपको लोक्रियन मोड और इंडियन क्लासिकल मोड के बीच में कोई रिलेशन पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ मोड्स के बारे में। मोड्स के बारे में हम आगे बहुत सारी बातें करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो अगर आपने अभी तक मोड्स को समझा नहीं है तो इसको समझने के लिए ये बहुत अच्छा एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है। मोड्स को समझ लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और
अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हिट द लाइक बटन एंड कीप वॉचिंग गिटार विज़ार्ड. थैंक यू.